एम साहब से मिले थे, आपने तमाम बातें की थी, कहा था कि मुझे गाड़ी नहीं मिली, गन्ना नहीं मिला, क्या था ये जिला पंचायत का पूरा खतरा? आपने डीएम साहब से क्या मांग की थी? जी कुछ समस्या ऐसी आई थी जो मैं इनसे मांग की थी, ना गाड़ी ना गन्ना, मेरे पास ये कोई भी अस्त्र नहीं था। क्या कुछ लोग कार्य में हस्तक्षेप भी करते थे जिला पंचायत के? जी कौन लोग थे वो? कौन हस्तक्षेप करता था आपके कार्यों में जो आपको इतनी बड़े मुख्यमंत्री तक भी गई, आप डीएम साहब तक भी गई हो? कुछ नहीं था थे। अच्छा, सीएम साहब से भी आप मिले थे, वहां आपने क्या मांगे रखी, क्या आपको वहां का आश्वासन मिला? मुख्यमंत्री ने क्या कहा था आपको? उन्होंने यही कहा कि आपकी जो भी व्यवस्था है वो आपको मिलेगी और आप जाइए, स्वतंत्र होकर अपना काम कीजिए। क्या 3 साल से आप जिला पंचायत में ध्वजारोहण नहीं कर पाई स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर? नहीं। वो क्यों? बस कभी मुझे ऐसा बुलाई ही नहीं उन्होंने। एएमए साहब ने भी आपको इनवाइट नहीं किया? पर मेरे पास तो कोई नहीं गया ना। जी तो कौन किन कौन लोग पहुंचते थे फिर? ये एक सुनील नाम के जो रिटायर हो रहे हैं, वो साइन ओइन करवा के ले जाते थे ना, कभी कुछ मेरे से ऐसा कुछ बताते थे कि ये इस चीज की फाइल है, चाहे ये कोई सा काम ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी मेरे से बताया नहीं, बस साइन करवाने से। तो अभी क्यों आपको अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूकता हुई, पहले क्यों नहीं हुई? 3 साल गुजार दिया आपने, तो अभी ऐसा क्या अवसर आया जो वो मिला आपको? ऐसी क्या हुई अभी क्यों? अभी मतलब 3 साल से आप चुप क्यों रहे? अच्छा, गनर आपका बदल दिया या अभी भी वही है? गनर वाले भी आपने शिकायत की थी। अब मैं कुछ कह दूं, देखो ऐसा है, ये बीमार थी इसलिए 10-15 दिन 20 दिन ये बीच में आपके नहीं रही। अब ये अपने काम को सुचारू रूप से चलाएंगी, ऑफिस में भी जाएंगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हो और यदि इस टाइप की कोई भी आपके साथ हरकत होगी, कोई आपको धमकाने का प्रयास करेगा या आपके अधिकारियों का हनन करने का प्रयास करेगा, उसे हम खुद अपने डिलेक्ट पर चेक करेंगे। दूसरा जो कार्य है ये अपने तरीके से ऑफिस में बैठकर सभी फाइलों को चेक करेंगे और जो काम हुए हैं उनका निरीक्षण करेंगे, देखकर तभी उनके कमेंट करेंगे। रही कार्य योजना की, वो माननीय सदस्य गणों से बात करके उनसे सबसे उनके कार्य लिए जाएंगे और उसमें संशोधित करके उसे उस कार्य योजना को आगे बढ़ा जाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त पर वो ये जो सब मैटर हो गया, अब उसका कोई मैटर नहीं है, ये अपने स्वतंत्र है, अपने तरीके से चलाएगी, ना हम किसी का ना ये ले रही, जो पीछे हो गया उसे सब भूल जाओ, लेकिन ये बिल्कुल अपने होशवास में और तरीके से एक जिला पंचायत को चलाएगी। जो जिले के विकास के कार्य हैं, जहां जैसे अभी एक टेंडर उसका होना है कांवड़ यात्रा का, वो भी आज इसने साइन किया है, सैली वैली का जो वो भी साइन किया है, जब भी आगे आवश्यकता होगी वो ऑफिस में बैठकर अपने काम को। जैसा विधायक जी ने कहा क्या ऐसा ही होगा? अच्छा चलो विधायक जी आप ही बता दो, ये बताओ ये कौन लोग हैं जो आप तक सेव कर देते, आप क्यों नहीं बोलते? आप एक बात बताओ जी भाई, ये कौन कान का चक्कर क्या है? नहीं खुलकर बोल रहे हैं आप, ठीक है वो बात थी, वो इशू नहीं बढ़ेगा। विपक्ष खुलका आपका नाम ले रहा है, आप उनका नाम लेने के लिए तैयार? मैं किसका नाम लूँ? मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, खुलका आपका नाम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अच्छा अभी सवाल जी का ले रहा, मेरी बात सुनो जी, जिला पंचायत में इसके अधिकारियों की बात थी, वो इसे मिल गई, हमें किसका नाम लेने की जरूरत है? और ये चलेगी
क्यों नाम ले किसी का, दूसरा पक्ष तो आपका नाम ले रहा है। अभी तक पूरे प्रकरण में, अभी तक पूरे प्रकरण में पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी थे, आज वो साथ नहीं है, कहाँ है कुछ? आज वो किसी काम से लखनऊ जा रहे हैं, नहीं आप, मुझे भी जाना है लखनऊ, लखनऊ मीटिंग है 10 तारीख को, मैं भी कल निकलूँ वहाँ लखनऊ के लिए, तो वो पहले चले गए, उनका कुछ काम था जिससे उनमें मिल ना पा किसी से, और इसमें कोई इश्यू नहीं है किसी का भाई, ठीक है जिसने जो करा वो उसे भुगतेगा, लेकिन ना तो ये नाम ले रही किसी का, नाम ले रही, जो समस्या थी वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके दूर कर दी, अब इसमें कोई इश्यू नहीं। जैसा विधायक का साथ जिला पंचायत अध्यक्ष को मिला है, वैसा ही प्रदीप चौधरी जी का भी साथ जिला पंचायत अध्यक्ष को है? उस हर व्यक्ति का साथ मधुगी गैल है जो इसे इंसाफ दिलाना चाहता है, जो इसके अधिकारियों की वकालत करता है, इसे अधिकार मिलने चाहिए, उसका प्रोटोकॉल है, और वो जहां कमी थी वो दूर होगी, हर व्यक्ति इसके साथ है जिले का, और ये जिले के विकास के लिए कार्य करेगा, जो सदस्यगण है वे सारे इसके साथ है, कोई बगल नहीं। उम्मीद की जाए आगे जो कार्य होगी पारदर्शिता के साथ होगी। गाड़ी की समस्या थी उसका वो एडवर्टाइजमेंट दे दिया, वो गाड़ी इनके पास पहुंचे। अच्छा, जो पहले कार्य हुए उनमें कुछ किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं? देखो, एक बात है भाई, जहां गलती किसी ने कर रखी है तो उसका तो इसे जांच करनी है, वो अपने तरीके से करेंगे, हम क्यों उसमें? नहीं, गलती तो एक तरफ है, लेकिन साइन तो इनके ही है, चाहे गलत हो चाहे वो जहां जिसकी गलती होगी वो सब देखेगी, वो तो जांच का विषय है, इसका विषय है, इसकी अक्षमता है कैसे कार्य करेगी।